मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि व्यापक परिवर्तन लाने वाले इनोवेशन के कारण पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं और नई नौकरियों के लिए कार्यबल का निरंतर कौशल बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौशल और क्षमताएं डिग्री के बजाय भविष्य को संचालित करेंगे। ईश्वर से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई और ये सरकार अगले 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी सहित कुछ और पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इससे पहले इन पहलवानों ने जनवरी में ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। पहलवान का आरोप है कि भूषण ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है और इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय ने जांच समितियां बनाई थी, लेकिन विनेश ने इन समितियों से नाराजगी जाहिर की थी। ब्रिजभूषण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। साक्षी मलिक का कहना है कि शिकायत पर FIR नहीं दर्ज की जा रही है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जंतर मंतर पर ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कमेटी की जांच में क्या निकला सामने नहीं आया, जब तक न्याय नहीं मिला जंतर मंतर पर ही रहेंगे बजरंग। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में 4,11,000 गरीब भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश मंत्री एस जयशंकर जियाज टाउन में रामकृष्ण धार्मिक मंदिर की प्रार्थना में प्रवासी भारतीयों के साथ शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि परंपराओं और विरासत और रीति रिवाजों को बनाए रखा जा रहा है और ये देखकर बहुत खुशी हुई। राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्व इलाके में कल 2 नकाबपोश लोगों ने एक अपार्टमेंट में दरवाजे पर कथित तौर पर गोलियां चलाई। तमिलनाडु में IT ने रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर पर छापेमारी की। इस दौरान कंपनी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी जारी है। छापेमारी के दौरान DM के विधायक MK मोहन के बेटे के घर पर भी छापे मारा गया और जिसको लेकर घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मथुरा में पुलिस ने कार्रवाई कर 5 क्विंटल 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसी दौरान मौके से ट्रक और एक गाड़ी भी जब्त किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता है। संक्रमण दर में हुआ इजाफा, उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है जिसके चलते चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मोटी परत जमी हुई नजर आ रही है जिससे यातायात प्रभावित हुआ। April 25 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान CM अशोक गहलोत शहीद की मूर्तियों का अनावरण करेंगे और इसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत का पहला कार्यक्रम गुस्साई सर बड़ा गांव में होगा, जहां पर वो आपको बता दें कि उसके बाद धीर देशर चूटिया गांव पहुंचेंगे जहां पर शहीद राकेश चूटिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद सुनियासर गोदारा गांव में शहीद हेतराम गोदारा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से 2
महीने तक पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगाने जा रहा है और पूरे प्रदेश में कुल 2000 राहत कैंप लगाए जाएंगे। उदयपुर में गांधी गांव में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान शिविर में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद बीरा पहुंचे और कैनोपी में फीता काटकर महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। चौक में तेज रफ्तार से बाइक चलाने पर टोकन को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया है और इस दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी। इस दौरान पथराव में एक पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग घायल हो गए। वहीं संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और अजमेर के रेंज के आईजी पुलिस अधिकारी के साथ घटनास्थल का दौरा किया। दौसा के बांदीकुई में एयर गन चलाने से वार्ड में सनसनी फैल गई। उस दौरान गोली लगने से बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग शख्स घायल हो गया है। मौके पर पहुंचे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कर कार्रवाई की। चुरू के सादुलपुर में चार मोर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। सूचना के मुताबिक करीब आधा दर्जन मोर बीमार नजर आए और मौके पर ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और उनका इलाज शुरू किया गया। नागौर के पर्वतसर उपखंड के ग्राम नाड़वा के 2 साल के मासूम तनिष्क ने तोड़ा दम। दरअसल स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित तनिष्क आखिरी जिंदगी की जंग लड़ता रहा और हार गया। तनिष्क को 16 करोड़ के इंजेक्शन दरकार थी और